नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं बजाज पल्सर 125 नियॉन वर्सेस होंडा एसपी BS6 मॉडल के बारे में। आप सभी को पता ही होगा 125 सीसी की दोनों आपको बाइक देखने को मिल जाती है, पल्सर 125 और वहीं पर आपको होंडा की एसपी। दोनों का ही बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है इंडियन मार्केट में। दोनों 125 सीसी की सबसे ज़्यादा सेलिंग बाइक बनी हुई है इंडियन मार्केट में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा क्यों होंडा एसपी आपको नहीं लेनी चाहिए। आपको ऐसे 4 से 5 पॉइंट बता दूंगा जिसकी वजह से आप पल्सर सर बिल्कुल जा सकते हैं, आपको होंडा एसपी को साइड कर देना चाहिए। तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर बात करें इस बाइक के बारे में तो मैं आपको बता दूं, पहला जो पॉइंट रहने वाला है वो इस गाड़ी का लुक रहने वाला है। लुक वाइज देख सकते हैं ये हमारे पास ग्रीन कलर है। मैं आपको दूसरा कलर भी चेकआउट करा देता हूं, देख सकते हैं देखने में कलर बहुत सही लगता है। सबसे जो प्लस पॉइंट रहने वाला इस गाड़ी का लुक, लुक वाइज देख सकते हैं गाड़ी देखने में आपको अच्छी लगती है। थोड़ी आपको हैवी लुक देखने को मिल जाती है अगर आप इसको कंपेरिजन करेंगे होंडा की स्पीड से, जो कि एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। बाकी आप इसका स्पीड स्टिक देख सकते हैं, देखने में बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही गुड लुकिंग लगता है। बैक से आप इसका जो हैंडल देख सकते हैं, ग्रैब हैंडल जो आपको देखने को मिल जाता है बैक में, आप देख सकते हैं गाड़ी का लुक। लुक वाइज जो एक प्लस पॉइंट है जो कि हमारा फर्स्ट एडवांटेज पॉइंट रहने वाला है, जिसके जैसे आप होंडा एसपी को छोड़ सकते हैं और आप इसको ले सकते हैं। होंडा एसपी भी लुक वाइज मानता हूं बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन आप दोनों अगर बाइक को साथ में रख के देखेंगे तो आपको जो पल्सर की 125 स्प्लिट सीट है वो ज़्यादा अच्छी देखने लगेगी। देख सकते हैं आप इसकी गाड़ी देखने में बहुत सही लग रही है, बजाज की गाड़ी देखने में बहुत सही लग रही है। आपको नीचे इंजन गार्ड भी लगा हुआ है जो कि एक अच्छी बात है, और लुक जो आ रही गाड़ी की वो बहुत ही शानदार, बहुत ही गुड लुकिंग आ रही है। गाड़ी का फ्रंट से लुक चेकआउट कर सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि हमारा पहला पॉइंट है। उसके बाद अगर हमने सेकंड पॉइंट की बात कर लें तो वो रहने वाला गाड़ी की ब्रेकिंग और गाड़ी के टायर। आपको बता दूं फ्रंट में आपको 80x100 17 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। 240 आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाती है। अगर आप डिस्क वेरिएंट से जाएंगे ड्रम का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर होंडा एसपी की बात कर लें तो होंडा एसपी में आपको 80x100 18 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं। जो मेन आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो बैक के टायर से देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ी में आपको बस 17 इंच और 18 इंच का फर्क देखने को मिल जाता है। उसे अगर बैक की टायर की हम बात कर लें तो बैक के टायर में मेन और बैक के सॉकर में आपको मेन डिफरेंस देखने को मिल जाता है। थोड़ा जो पल्सर और सॉकर वो थोड़ा कंफर्टेबल आपको महसूस हो सकता है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लें इस टायर की तो मैं आपको बता दूं इसके बैक में आपको 100x90 17 इंच टायर देखने को मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर है। 130 mm का आपको ड्रम ब्रेकिंग देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात कर लें होंडा एसपी की तो आपको होंडा एसपी में 80x100 18 इंच के देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक बड़ा एडवांटेज आपको पल्सर में देखने को मिल जाता है। आपको इसमें 100x90 के टायर देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात कर लें तो पावर फिगर्स वाइज गाड़ी आपको दोनों में सेम इंजन देखने को मिलता है, लेकिन आपको इसमें 4-स्ट्रोक 2-वेल्व ट्विन स्पार्क BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाता है। DTSI इंजन है जो कि अच्छी बात है। होंडा का आपको अच्छा इंजन देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको इसमें 11.8 PS की आपको पावर देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात कर लें होंडा एसपी की तो होंडा में आपको 10.8 PS की पावर देखने को मिल जाती है, जो कि 1 PS की पावर डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात आपको ज़्यादा बजाज पल्सर पावर प्रोड्यूस कर देती है। बाकी टॉर्क में आपको 0.1 का फर्क देखने को मिल जाता है, वो कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। जो आपको मेन यहाँ फर्क देखने को मिल जाता है वो आपको इसके जो पावर फिगर्स हैं उसमें देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 11.8 PS की पावर देखने को मिलती है और आपको होंडा एसपी में 10.8 PS की, जो कि तीसरा पॉइंट है। उसके बाद हम चौथे पॉइंट की अपनी बात कर लें तो चौथा पॉइंट जो रहने वाला है वो रहने वाली गाड़ी की प्राइसिंग। अगर हम प्राइसिंग वाइज बात कर लें तो प्राइसिंग वाइज आपको मेन डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों गाड़ियों में कंपेरिजन करेंगे। आप वहीं अगर होंडा एसपी को ले लेंगे तो होंडा एसपी की जो एक्स शोरूम प्राइसिंग देखने को मिल जाती है ड्रम वेरियंट की, वो है लगभग 75,010 rupees। वहीं अगर बात कर लें हम बजाज पल्सर स्प्लिट सीट की तो उसकी जो प्राइसिंग देखने को मिल जाती है वो है 73,370 rupees, जो कि एक बड़ा एडवांटेज, लगभग 2,000 rupees तक आपको एडवांटेज देखने को मिल जाता है अगर आप ड्रम वेरिएंट से जाएंगे। वहीं अगर डिस्क की बात कर लें तो डिस्क में दोनों की आपकी प्राइसिंग मैच करने वाली है, लेकिन अगर आप ड्रम के साथ जाएंगे तो आपको 2,000 rupees का एक एडवांटेज देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है, जो कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स बिल्कुल देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात कर लें तो जो आपको इंजन का रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है, जो पिकअप और जो इंजन का एग्जॉस्ट की साउंड देखने को मिलने वाली है, वो आपको बजाज पल्सर में ज़्यादा अच्छी महसूस होगी। अगर आप 125 सीसी बाइक ढूंढ रहे हैं पावर पैकेज साथ तो बिल्कुल आप इस गाड़ी से जा सकते हैं। मैंने आपसे 4 से 5 पॉइंट ऐसे बता दिए जिससे आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। अगर मैं फिर से पॉइंट अपने बता दूं तो पहला इस गाड़ी का लुक रहने वाला है। लुक वाइज जैसे गाड़ी रहे बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात कर लें तो जो आपको टायर साइज देखने को मिल जाता है और जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है, आपको टायर साइज जो बैक का टायर उसमें मेन डिफरेंस देखने को मिलता है। आपको होंडा एसपी में 80x100 18 इंच के देखने को मिलते हैं और जो आपकी बजाज की पल्सर उसमें 100x90, जो कि आपको बड़ा एडवांटेज देखने को मिल जाता है बजाज की पल्सर में, जो कि बहुत अच्छी बात है और प्लस पॉइंट बिल्कुल है। आपको रोड पर अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छी ग्रिप देखने को मिल जाएगी बजाज पल्सर में और ब्रेकिंग भी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो गाड़ी का पावर फिगर्स है। आपको अच्छा इंजन देखने को मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में, लेकिन पावर फिगर्स वाइज आपकी जो बजाज की पल्सर है लगभग आपको 1 PS पावर ज़्यादा प्रोड्यूस कर देती है, जिससे आपको पिकअप वाइज थ्रॉटल रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा देखने को मिलने वाला है,
जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर प्राइसिंग वाइज बात कर लें तो प्राइसिंग वाइज हमारा चौथा मेन पॉइंट रहने वाला है, आपको बजाज पल्सर से 2000 रुपये सस्ती देखने को मिल जाती है। अगर आप इसको होंडा एसपी से कंपेरिजन करेंगे, होंडा एसपी की जो प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाती है 75,000 ₹10 एक्स शोरूम आपको ड्रम वेरियंट की। वहीं अगर बात कर लें बजाज पल्सर स्प्लिट सीट की तो उसकी भी प्राइसिंग पड़ती है 73,370 रुपीज़, लगभग 2000 रुपये तक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है आपको दोनों ही गाड़ियों में, जो कि एक प्लस पॉइंट आपको बजाज पल्सर में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें और कुछ बारे में तो आपको एग्जॉस्ट नोट आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा और रोड पे आपको प्रेजेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा बजाज पल्सर का। तो फ्रेंड्स यही था एक डिटेल्ड वीडियो क्यों बजाज पल्सर आपकी बेहतर है होंडा एसपी से। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ हमारे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और अगर आप सभी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में से जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।